तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गोरमीना ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो गाइस, आप नए हैं तो चाहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो गाइस, आज जा रहे हैं हम संजू भाई से घर खाना खाने, और अभी का टाइम हो चुका है 9:55 हो चुके हैं। तो गाइस, चलते हैं संजू भाई सबके घर, तो लेट्स गो। तो गाइस, हम संजू भाई साहब के घर से आ चुके हैं। खाना वाना बहुत बेहतरीन खाना था, और सबसे पहली चीज़ थी जो कि है दाल थी, फिर दूसरी चीज़ थी जो कि बाटी थी, जो कि तीसरी चीज़ थी बाटी हो गई, दाल हो गई, प्याज थे तीसरी चीज़, और चौथी चीज़ थी जो कि कैरी थी, और चौथी और आखिरी चीज़ थी जो कि पानी था, वो तो अपन सब लोग पीते हैं। ये पाँच चीज़ थी, और बहुत बढ़िया दाल बाटी थी, और मज़ा आ गया, बढ़िया घी में लथपथ बाटी थी, और खाना बढ़िया खाया। तो गाइस, आपने नहीं खाया तो आप भी खा लीजिए, और फिर मिलते हैं। गाइस, गुड आफ्टरनून, और अभी का टाइम हो चुका है 4:21 हो चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं कॉलोनी, जो कि संजीव भाई साहब के होटल पे अभी बैठेंगे, और अनिल जो कि कंट्रोल में जाए, थोड़ा उससे काम है तो फिर वो वहाँ पर रहेगा। तो गाइस, मिलते हैं कॉलोनी तरफ। तो गाइस, अभी हम संजीव भाई साहब के होटल में आ चुके हैं, और अभी का टाइम हो चुका है 4:30 हैं, और अभी हम चाय पी रहे हैं जो कि संजीव भाई साहब ने दी है, और वो संजीव भाई साहब बोल रहा है जो कि मुस्कुरा रहा है, और ये कि ये डॉक्टर साहब रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब परिचय देने में थोड़ा शर्मा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, दोगे क्या डॉक्टर साहब परिचय? शर्मा थे बोलते यार डॉक्टर साहब आ रहे। चलो ठीक है, इस पर मिलते हैं। आज देवबड़ी गए तो देवबड़ी की तरफ मिलेंगे। तो गाइस, अभी का टाइम हो चुका है 5:30, और अभी हम जा रहे हैं देवबड़ी पे। मैं हूँ शिव भाई और अनिल भाई है, अरे यार किशन भाई और अपने अंकित भाई और अपने सोनू भाई और अपने शिवम भाई वो रहेगा यार, बहुत अफसोस हुआ अनिल भाई की वजह से। अनिल भाई चल चलते ना तो और बढ़िया रहता, अपन सब साथ में चल चलते। तो गाइस, चलते हैं, फिर मिलते हैं देवबड़ी की तरफ, लेट्स गो। चांद गौरव तो प्रेस कम मंदिर चांद गेर मत लगा दे, जब इतनी जाएगी। तो गाइस, हम आ चुके हैं देवनारायण भगवान के स्थान पर, और अभी पहुँचे हुए हैं, और मैं हूँ शिव भाई अनिल भाई है, और कुछ मैं आपको जानकारी भी लूँगा कि यहाँ के देवनारायण भगवान के बारे में। तो गाइस, फिर मिलते हैं। तो गाइस, ये रहा देवनारायण जी का मंदिर। तो गाइस, हम आ चुके हैं देवनारायण भगवान के स्थान पे। अभी हमें सुबह सुबह हम योगेश भाई के घर पे बैठे थे, जब हमें प्रदीप भाई साहब ने जानकारी दी थी, जो जानकारी दी थी मैं आपको बता रहा हूँ। प्रदीप भाई साहब ने हमें बताया था कि यहाँ पर जो कि आसपास की महिलाएं रहती हैं, अगर पानी नहीं गिरता यहाँ पर कौन से मौसम में, अभी के मौसम अनुसार बरसात के मौसम में पानी नहीं गिरता, तो जो भी आसपास की महिलाएं रहती हैं वो यहाँ पे आती हैं देवनारायण भगवान के स्थान पे, और वो प्रार्थना करती हैं कि पानी गिर जाए, और पानी गिरता है कि नहीं गिरता? गिरता है, गिरता है। अस्तर है यार, तो गिरता भी है क्या? नहीं गिरता, गिरता है तभी तो आते हैं। हाँ, गिरता है जब भी आती हैं यहाँ पर, और पानी गिरता भी है इतना मैंने सुना है, और गिरता ही होगा यार, जब सब लोग कितना कह रहे हैं तो गिरता ही होगा पानी। और हम भी अभी दूसरी बार आए, पिछली बार आए थे जो कि गर्मियों में आए थे, और यही जानकारी देनी थी। अगर आप भी आना चाहो तो आपको ये पड़ेगा मध्य प्रदेश में पड़ेगा, और गुना जिले में पड़ेगा, और कुमराज में आना पड़ेगा, और कुमराज से पड़ेगा, कम से कम 14 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा, जो कि बड़ोस से थोड़ी सी दूरी पर है, 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा देवनारायण भगवान जी का स्थान। और ये कौन सा गाँव है आसपास यहाँ पे? लंबा चक खुंगारीपुरा पे पड़ेगा ये मंदिर, जो कि नारायण भगवान का स्थान है। तो गाइस, मिलते हैं फिर। तो गाइस, यहाँ से हमें कुमराज भी दिख रही है, जो कि बो रही जो कि बहुत दूरी पे है, यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर भी दिख रही है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, इसलिए हमें यहाँ से दिख रहा है। तो गाइस, यहाँ पे शिव भाई और अपने अनिल भाई फोटो शूट कर रहे हैं, थोड़े फोटो बोर्ड वगैरह ले रहे हैं, और अपन चलते हैं गाइस थोड़ी देर से। हम शुरू में स्टार्टिंग में अपने ने चढ़ाई करी थी, तो जब आ रहे बहुत मुश्किल से हम चढ़ पाए थे बाइक में, मतलब गियर ही तोड़ना पड़ा था शुरू में से, बाइक कह रहे थे कि रोको और मत दो गियर मत तोड़ना, फिर भी हमने नहीं तोड़े, तो हम आ गए, और घटाई बहुत है यार, बहुत मुश्किल की है यहाँ पे, सड़क भी नहीं है ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए, और बस हम आ गए, मतलब कच्चा रास्ता है, साफ़ रास्ता नहीं है। वैसे आप कुमराज से यहाँ तक आओगे ना तो साफ रास्ता है, बस लंबा ऊपर की घटाई चढ़ोगे ना तो 1/2 किलोमीटर के लिए ना वो सही रास्ता नहीं है, फिर भी अपनी गाड़ी मार के तक चल जाती है, बरसात में शायद कुछ प्रॉब्लम आए तो उसका अपन कह नहीं सकते, लेकिन गाड़ी वगैरह तो आराम से चढ़ जाती है, बस थोड़ी सी मुश्किल आती है, बिल्कुल मामूली सी बिल्कुल।
चलें शिव भाई और अनिल भाई। हाँ चलो चलें फिर मिलते हैं गाइस। तो गाइस यही है ऊबर कावड़ सा रास्ता जो कि आपको थोड़ी सी तकलीफ देगा जाने में और थोड़े बहुत ये पत्थर वगैरह है और मैं आपको जब हम नीचे उतर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वीडियो में बताऊंगा कि कैसा रास्ता है। तो गाइस ये वो रास्ता है जो आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है और ये रहा इसका एंट्री गेट देवनारायण भगवान जी का। गाइस आज हमारे सुमन भाई का बर्थडे है, एक बार सुमन भाई को हैप्पी बर्थडे टू यू। सेम टू यू भाई, थैंक यू। चलो ठीक है और चलते हैं फिर थोड़ी देर से। कितनी बजे का प्रोग्राम है ये? 8 बजे का। 8 बजे का तो फिर मिलते हैं बर्थडे में, ठीक है। और ये हम सब खड़े हुए हैं, सोनू मोनू भाई, योगेश भाई, ललित भाई, अनिल भाई, सुदीप भाई, अनिल भाई, कृष्णा भाई और सब लोग चलते हैं थोड़ी देर से। तो गाइस अभी जब हम जा रहे हैं उमर पे, मैं हूँ और अपने कृष्णा भाई हैं और अपने सुदीप भाई हैं और अपने सोनू भाई हैं और वो रहे योगेश भाई। तो गाइस यहाँ पे पार्टी बन रहे हैं और यहाँ पे अपने राजकुमार भाई और ये यहाँ पे बिक्की भाई के ना, बिक्की भाई यहाँ पे लोहे बना रहे हैं। तो अभी तक भाइयों कितने लोहे बना दिए? लगभग 100-125 लोहे। अरे बहुत लोहे बना दिए यार, कितनी देर से बना रहे हो आप? समथिंग पौने घंटा। अच्छा मतलब अपनी दाल बाटी कितनी देर में बन जाएगी? सवा घंटा में। हर चीज तो 125 हो गई यार। लगभग लगभग 125 में हो जाएगा। अच्छा और ये मिर्ची वगैरह और ये प्याज वगैरह कौन से भैया? आपका क्या नाम है भैया? अक्षर चैन। अच्छा ये अक्षर चैन भैया ने काटी है और ये यहाँ पे यहाँ पर भी लोहे बना रहे हैं। ये रोहित भाई ने काटी है। राजकुमार रोहित रोहित हाँ रोहित भाई ने काटी है। सॉरी मैंने राजकुमार बोल दिया। राय फादर का नाम क्या ना? जो ठीक है। और यहाँ पे इनका ना क्या नाम है? ये मनोज भाई है जो कि पड़ोस है और यहाँ पे और ये प्याज और यहाँ पे सब लोग खड़े हैं। यहाँ पे अपने कृष्णा भाई हैं, यहाँ पे अपने अंकित भाई हैं और यहाँ पे ललित भाई हैं। और ललित भाई क्या हालचाल है? तो हेलो गाइस, आज हम हमारे बड़ौद के हनुमान जी के मंदिर पर हैं और ये बड़ौद से 2 किलोमीटर की दूरी पर रोड पर स्थित है और ये बहुत ही बड़ा मंदिर है और यहाँ पर बहुत ही श्रद्धा मानी जाती है। ये हनुमान जी का मंदिर है, पीछे से मैं इसका वीडियो ले रहा हूँ। और ये उधर ऊपर छत पर राम जानकी का मंदिर है, ये धर्मशाला और ये गौरव भाई बैठे हैं और ये गुरु बच्चन। और यहाँ पर देखो आज सुमन भाई का बर्थडे है तो यहाँ पर पार्टी से की जा रही है और ये बाटी वाले हैं, ये अंकित मीना बाटी सेकने वाले हैं और यहाँ पर बाटी से की जा रही है और यहाँ पर बहुत भाई खड़े हैं काफी लोगों की संख्या में। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।